बोल साचे दरबार की। आप तो मंत्री साहब ने सम्मान किया बैद पूरन जन मेरा मादरे वाले हूँ अस न्योता देने अपने दमान सिंह होरें जिन्या सम्मानित होए ना बाद च बोलन अपने विचार रखन दमान सिंह जी जी दो मिनट है टाइम है कृपया अपने विचार रखन दमान सिंह अच्छा ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम तो है नहीं है थोड़ा जा टाइम आखा दे सारे इस वास्ते अस सारे ना नहीं ले सकते मंच पर बैठे दे जिन्हें भी लोग मंत्री साहब और जेडे भंडार च बैठे दे जेडे आए दे अफसर साहब सारे का बड़ा बड़ा शुक्रिया धन्यवाद तुसे टाइम देने और मंत्री साहब का मतलब कि तुसे मुबारक देने वास्ते आए दे बड़े कठिन समय दे टमे दे उपर तुसे जेड़ा काम किया एदा सारे बधाई दे पात्र हो और तुसे जेड़ा जंग लड़ी है ये बड़ी अच्छी गल है तुसें की सिखिया बड़ा कुछ आखी तो सारे छोड़ते लेकिन लड़ना बड़ा मुश्किल है और दूसरा सारा क्या जो प्रोग्राम बनाया गया सारा इलेक्शन टाइम होना जरूर आखेंगे जेड़ा सिस्टम है सिस्टम की और निजम की मनना बड़ा जरूरी है परेशानी होंगी टाइम हो जाता टाइम थोड़ा है जरा सारे भी गए गल करके कम की हांजी कृपया दीवान सिंह ने बोलिया बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें सारा डिस्प्लेन वास्ता दसिया कि कियां असें भी समा बड़ा घट है मंत्री साहब होरें अगे भी कोई जाना है जहाज का भी समा होना जल्दी जल्दी इस वास्ते अस सारे अगे अपील करने के अनुशासन कने चलो इंदे कने कने अपने रेंज अफसर घराट लाले श्री ओम प्रकाश होर ये अपने विचार रखन श्री रेंज अफसर घराट लाले मंच उपर ज्यादा नहीं करना चाहिए चलो सारे अगे बाद भाई जेडे अगे पिछे लोग बैठे थे ना खड़ोते रस्ते वह भी नहीं जान शायद फर्स्ट क्लास प्रोग्राम है इतने बड़ी शानदार कने हुआ बाकी इंस्पेक्टर श्री सतीश शर्मा हनरेबल मिनिस्टर बाकी इनके कने आए गए तमाम टीम सीनियर सिटीजन अफसर साहिबान वीडियो तहसीलदार नायब तहसीलदार वगैरह जिन्हें भी इतने ब्लाक लैवल के अफसर डिस्ट्रिक्ट लैवल के भी जेडे इतने पुजे दे बाकी मीडिया सारे लोगों की तुसें की मेरी तरफ दा राम राम सत श्री अकाल वालेकुम सलाम ये सारे की तुसें मेरी तरफ दा हो है बाकी तुसें भी मैं एक चीज दसना जेडी तुसें लोकें ये फतह की ना ये कठुआ है लेइया तो समझ लो तो पुंछ रजौरी तो कपवाड़ा कश्मीर वैली सारी वो एग्जाम्पल कुदा नहीं तुसी नब्बे सीटें बिचा नहीं मिली जेड़ी तुसें लोकें गी अप्रीशिएट जंदा तुसें लोकें गी वो शाबाशी जंदी है और तुस लोग अस वो लोग जेड़े अस इनेंगी उत्थे मुबारक भी नहीं देई सके जाइए लेकिन ये आपू आए तुसें मुबारक भी देंगन और तुंदे कामकाज गल बात भी सुनांगा अजे थोड़े बिजी ने इंदी गल परसों मेरे ख्याल मीटिंग भी है असेंबली सैंक्शन बौना उसके बाद इन्हें कल आख्या हा कि उसके बाद घराटल पठार दूसरे सारिया पंचायत जड़ियां वो आंगन बाकी और कोई कसर नहीं तुसें छोड़ी हर पोलिंग स्टेशन उपर तुसें भला दस भी वोट गै बद लैते लेकिन लैते दूसरी पार्टी को और कई टाइम ऐसा हा
ये 10 साल जो निकले हैं ये जनाब जी ने गल सुना कि यह सारा इंडिया कंडी का इतने पंडित लेट श्री गोविंद राम शर्मा और इतों की सारी जो मसले सुनते रहे डिवेलपमेंट करते कराई जितनी उनके को हो सकती जितना उस बेल हिसाब कने पैसे आते हैं उन्नी डिवेलपमेंट भी कराई उन्हें उन्ना सारे इलाके प्रेफरेंस भी देंगे। उसके बाद जिस बेलै मतलब नहीं सेहत कमजोर हो गई पब्लिक में नहीं आई सके तो उन्हें फिर इलेक्शन हुई जी 14-15-16 च हुई मेरा ख्याल जो अजीत शर्मा और बने ने MLA वो 5-10 साल असि लभे गए जब तुम लभे भाई आए का कोई बनाया होना थोड़ा बहुत काम कोई लेकिन मदन लाल शर्मा और वो आखते हैं कि जिन्ना काम तो इलाके च होया इन्हें कुछ सफेदी भी नहीं करनी तो बाकी इको गल हुई है कि कोई औद खल सफेदी नहीं की कोई ओने च खबरें के है के नहीं आदि इन पिया वा स्कूल दिल्डिंग देखी वो भी रिपेयरेबल नहीं है। बाकी मैं बड़ी टाइम बड़ा घट है थोड़ा थोड़ा का टाइम लेना बाकी स्टेशन ही मैं मिनिस्टर साहब ये अज करगा कि सारी घराट पंचायत दो काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं एक घराटा टू गोदन रोड जोड़ा 2002 शुरू हुआ 2000 शुरू होया शायद 2000 गए शुरू होया वो अज तक कंप्लीट नहीं होया सारा इं पा कि हथ वर्क होगा किस लुक भी पाई है कोई 350-450 मीटर इन्हें बाकी एक नोर टू घराटा नोर टू घराटा जोड़ा है उसे दुकाना बनाई हिस्से हिस्से से लेखराज उन्हें वो बिचा रस्ता टुटी वाला उसी कंप्लीट करना भी बड़ा जरूरी है। ये मेहरबानी करिए मैं रिक्वेस्ट करूँ मिनिस्टर साहब अगे कि दोवे काम प्रयागी पर घराटा से लैके जा बाकी तुम डिटेल जी कमी काजे की डिटेल हो तो जल घराटल का प्रोग्राम रखो उस वेल तुम पूरी दिखागे लेकिन ये दो काम जो सारे प्रयागी पर होने चाहिए। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया रेयांस साहब होर जिन्हें अपने विचार रखे न अस भी गौर मंत्री साहब करगन इन्हे गै सारे अगले वक्ता बोलने वाले इंजीनियर मदन लाल जी पियाण वाले वह भी अपने विचार रखन श्री मदन लाल जी पजाण वाले इंजीनियर एक्शन समय का ध्यान रखन कृपया अपने विचार व्यक्त कर सारा लाइव करना सारा पूरा आदरणीय 7-8 महकमे दे मंत्री सारे सतीश शर्मा जी सारे बुजुर्ग कुछ सारे चाचे ताए कुछ सारे साथी और कुछ नौजवान कुछ मातृ शक्ति सारे की मेरी तरफा दा यह गुरुदेव धन गुरुदेव और सत श्री अकाल आदाब नमस्कार। वक्त मिलया है थोड़ा जहा 2 मिनट अपने विचार व्यक्त करने का। अज कोला कोई 1 महीना पहले एक बहुत बड़ी जंग जेड़ी है हर एक वोटर वर्कर पंच सरपंच थले तो लेकर उपर तक और मातृ शक्ति ने जेड़ी लड़ी है 2 ब्लाक च मैं खासकर जिंदा मैं कंसर्न करना वो है एक मैरा मांदरिया और दूसरी है अपनी चौकी चौरा। मैं जदों मैं पहले बारी टाइम मिलिया खोड़ च मैं तुसी सारे की एक निवेदन किया एक रिक्वेस्ट की कि एक एक वोटर दे कन्ने घटो घट 10 वोट जेड़े घरों निकलने चाहिए। चलो 10 नहीं निकले मैं 8 और 9 की मिगी पूरी यकीन है तुसे लोके कड़े और इस हालात अस पुजी हाँ कि जम्मू रीजन दे साढ़े जेड़े मंत्री न वो सब तो वरिष्ठ और असीं ये अज रिप्रेजेंट करा दे जेड़े कि कुसै पार्टी कन्ने नहीं हैं कुसै पार्टी दे वो कोई व्यवस्था नहीं हैं कोलिशन गवर्नमेंट च न और ऐसे अच्छे काम करा दे और ऐसे अच्छे मुद्दे उन्हें पुटे न जेड़ा कि असीं पूरा यकीन है कि वो सरअंजाम देंगे
और अगे तक ले जांगन ये मेरी पूरी आशा है। मौका मिलिया है ये शर्मा साहब इस स्कूल च मैं पढ़ेगा, इतने दो कच्चे कमरे होंगे है ते दो बाद च पक्के बने, इन्ना पसमांदा इलाका साड़ा, इस दे विच कोई किसम कुसे भी किसम का साधन नहीं है, एक सिर्फ तारी देने का जेड़े लोग तारी जानते हैं वह तारी इतों झुंडे बनिया अखनूर लेंदे है और अपना गुजर बसर जरा करते हैं। और अज थोड़े थोड़े जेड़े जिया के पोलीटिकल थोड़ा सुनहरीओ बदलिया और पोलीटिकल सुनहरी के बच्चे इं हो स्वर्गीय पंडित गोविंद राम जी हो ये सड़क शुरू की घर च सड़क बनी और अस इतने स्कूल जल्द आते जल्द पहली बस आई अस नची नची इतने खड़ोते रहे। बाद स्वर्गीय एम पी श्री मदन लाल शर्मा हो कुछ इन्ने काम और इन निशानियां से छोड़िया और साड़ा जोड़ा जीवन हा वह बहुत ज्यादा जोड़ा ना वह आसान करी उड़िया और अज अस सारे लोगों की यह मुबारक है कि उन्दे जेड़े बेटे न इले साढ़े पूरे इलाके पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर न। मिगी फखर है पूरा, कम दिखो कम नहीं मुकदे हैं, छोटे छोटे काम जेड़े ना वो असी तुसें दसने, बड़े काम जेड़े ना वो मंत्री साहब को लेइए जाने, प्रोजेक्टे आले काम जेड़े होंदे वो मंत्री को लेइए जाने, छोटे छोटे कमे वास्ते क्योंकि उन्दे कोल बड़ा भारी लोड है, उनकी कदे भी तंग नहीं करना। और जिन्हें साढ़े अफीसर साहबान बैठे ने बहुत काबल ये लोग क्या सीनियर क्या जूनियर ये बहुत काबल लोग और इन्हें इन्हें गै लोग काम करने न। मंत्री साहब साड़ा जेड़ा बर्निंग मुद्दा मुद्दा है जेड़ा साड़ा वो एक इतने राजेंद्र सिंह ने पहले दसिया कि वह डेली वेजर का एक बहुत बर्निंग इशू है, डेली वेजर इला बहुत ही दयनीय स्थिति है के आख्या के मी पता है जेड़े मेल आए दिन वह कई बार मिगी भी अप्रोच करते आनी है कि आओ महाराज कुछ साड़ा करो। ओदे बाद कुछ चीजा ऐसिया के कुछ लोगों की जिन्हेंगी असी मौका मिले मैं भी कुछ अपने हथे बूटे लाए दिन शायद वह मी जानते हो जा नहीं जानते हो मगर कुछ लाए दिन असें भी कुछ मी हदायत हो पिछू भी चूंटिया भरोचा दी लेकिन मैं छोटी छोटी गल्ला जो मैं थोड़े संज्ञान च लिया। एक सब तो बड़ा जेड़ा मुद्दा है साड़ा प्यान दे विच मंत्री साहब ने जेड़िया त्रेई लिफ्टां बनाई हां उहदे च साड़े एक प्यान च और एक साड़ी बुलगाड़े च दो लिफ्टां बनिया हां, कमीशन भी हुई हां, श्री श्याम लाल शर्मा जी ने उनका उद्घाटन भी किया चलाइया भी लेकिन उसके बाद वो बंद। अगर इतने इरीगेशन विभाग का कोई अफीसर या कोई और हो संज्ञान लैन और लिफ्टा जेड़िया कोई ज्यादा पैसा नहीं होगा पर लगता है वो पैनल रिपेयर हो जम्मू पेदे और मोटरें च अगर उनकी सर्विस करनी पे तो वह कोई ज्यादा काम नहीं है वो उन्हें करवाया जा। और बाद रोड प्यान दे बहुत अच्छी जगह है तुस कदे आओगे हो फिर कुदा तुसीं दसगे अगर तुहाडे कोल टाइम बैला होया, बहुत अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल इत्थे बनी सकदे न। और जिहड़ी गंडोले दी गल है वह साढ़े एक माइलस्टोन होएगा अगर गंडोला तुस बनांदे हो जिहड़ा कि डेरा बाबा की कनैक्ट करो वह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल होग और जिहले वह पर्यटन स्थल होग साढ़े लोगों की जिहड़ी दशा सुधरेगी और बहुत अच्छा इंदा जीवन स्तर है जिहड़ा उपर होएगा। डेली वेजर का एक बड़ा मुद्दा बर्निंग है और दूसरा जेड़ा है ए, ए प्यान दे बीच जेड़ा ए, अपनी लिफ्ट है इसी प्लीज ये अज गै इहदा संज्ञान लेता जा और उसी ऑपरेशनल किया जा ताकि अगले आने वाले टाइम च अस उत्थे मुंजी लाचै अस भी अपनी उगाई है सब्जियां ते फसलां खाचै। दूआ एक मिनट दूआ एक साढ़ा संस्कार जिथे अस करने दरिया का कंढा वह इं खड़ी ढक्की है उसे अस जा नहीं सकते, थोड़ी जी डिवेलपमेंट हो रोड की अगर वो थोड़ा जहा कुछ और डिवेलपमेंट की जा तो वह जी सा रोड है वह भी सही हो सकती है ताकि हूँ जोड़े भी लोग आते हैं गड्डिया लेकर आते हैं कुछ ऐसा दुर्घटना ज ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट हो गया। मेरी मंत्री साहब कने यही अपील है कि वह भी बाकी मैं कोशिश करूं कि जिस कमेटी में बिलोंग करना
ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਪਰ ਲੈਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੋਦਨ ਦੇ ਬਾਲਾ ਟੂ ਗੋਦਨ ਰੋਡ ਬੜੇ ਉਹਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਗੋਦਨ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੋਦਨ ਨਾਲਾ ਔਰ ਗੋਦਨ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਤਾ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਿਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕਰਨੇ ਗਏ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹ ਹੋਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲਈ ਮਸਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੀਆਂ ਤੁਸ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਚਲੇ ਔਰ 12:30 ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੋ।